पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हाइयर ऑर्डर ओके सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हाइयर ऑर्डर. वन ऑफ द होमोजेनस एंड सेकेंड वन इज नॉन होमोजेनस. नॉन होमोजेनस मीन्स इफ द टर्म्स ऑफ आर एच एस इज इक्वल्स टू जीरो देन इट इज होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इफ आर एच एस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो दैट इज द नॉन होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इन दिस केस सॉल्यूशन इज ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. यू नीड टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज द सॉल्यूशन इन द केस ऑफ होमोजेनस. बट इन द केस ऑफ नॉन होमोजेनस यू नीड टू फाइंड पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज द सॉल्यूशंस. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो सम नोटेशन लाइक पी रिप्रेजेंट डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स. यू कैन राइट हियर यू एक्स ऑल्सो क्यू डेल्टा जेड बाय डेल्टा वाई दैट इज द यू आई ऑल्सो आर डेल्टा स्क्वायर जेड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर दैट इज द यू एक्स 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 आर एस. एस मीन्स यू कैन राइट हियर डेल्टा जेड स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स वाई. सो यू कैन ऑल्सो राइट यू एक्स वाई एंड टी दैट इज द डेल्टा स्क्वायर जेड बाय डेल्टा वाई स्क्वायर मीन्स यू यू वाई वाई एंड डी इक्वल्स टू मीन्स यू कैन राइट टी इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा एक्स. ओके एंड डी डैश इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा वाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब अगर आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करना पड़ेगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है एक्चुअल रूट्स होता है, ठीक है, आप उसके रूट्स को फाइंड करेंगे. जब आपका होमोजेनस सिस्टम है तो कौन कौन सा आपका केस आ सकता है, उस चीज को समझें आप. सबसे पहले यू कैन राइट हियर केस नंबर वन. केस नंबर वन सबसे पहले केस ये जो आपका ओडी का केस होता है सेम ऐसा ही होता है आपका. इफ एम वन इक्वल्स टू एम टू इक्वल्स टू एम थ्री सो ऑन. ओके सो इन दिस केस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू सी एफ इक्वल्स टू फाइव फाइव वाई प्लस एम वन एक्स प्लस फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स प्लस फाइव थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स सो वन. केस नंबर नेक्स्ट दैट इज द केस नंबर बट इन द केस ऑफ सेकेंड यू कैन सी यू कैन चेक नेक्स्ट थिंग इज in the case of case number 2 if m if m1 equals to a1 by b1 okay x अगर 5 3 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका b3 plus a3 x. so ये केस नेक्स्ट केस नंबर नेक्स्ट जो है केस नंबर आपका थर्ड. केस नंबर थर्ड में अगर आपके पास क्या कहते हैं रिपीटेशन वाले हो, मतलब ठीक है लेट एम इक्वल टू क्या हो आपका एम टू द पावर आठ, मतलब ये रिपीटेशन वाले हो, ठीक है टाइम्स हो, ठीक है मतलब रिपीटेड आठ रिपीटेड आठ टाइम्स अगर ऐसा केस हो तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा कैसे निकलेगा आप देखें. यहाँ पे सी एफ इक्वल्स टू जो होगा आपका क्या होगा, पहला तो फाइव होगा फिर वाई
फिर वाई प्लस एम वन, अगर आप कुछ मान लें इसको तो क्या होगा, एम 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 एक्स, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा क्या, एक्स फाई टू, सो यहाँ आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा वाई प्लस एम एक्स, फिर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर फाई थ्री, अभी आपका होगा वाई प्लस एम एक्स, सो वन, इस तरह करके आपका क्या होगा, बढ़ते चलेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपका टू आर माइनस फाइव एस प्लस माइनस फाइव एस प्लस टू टी इक्वल्स टू जीरो, इसका हम लोग का सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले आप समझेंगे ये जो आपका होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, क्योंकि तो इसका आर एच एस क्या है आपका, जीरो है, ठीक है, इसलिए इसकी जो सॉल्यूशन होगा सिर्फ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकलेगा इसमें। तो आपको पता होगा ये सारा पता होगा, आर के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आपको पता होगा आर इक्वल टू हम लोग का होता है डेल्टा जेड स्क्वायर बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एस की जगह में क्या होता है हम लोग को, ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा, डेल्टा स्क्वायर जेड और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, और टी इक्वल्स टू होता है आपका डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा वाई स्क्वायर, ये होता है आपका। और यहाँ से हम लोग जो पुट करेंगे आपका डी इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा इक्वल टू क्या पुट करेंगे, डेल्टा बाई डेल्टा वाई। अब याद की इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, देखें द इक्वेशन बिकम क्या आ जाएगा आपका, देखिए पहला तो आ जाएगा आपका कितना, टू इंटू डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस टू इंटू डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, टू इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, हम लोग टू डी स्क्वायर माइनस फाइव, इसको लिख सकते हैं डी इंटू डी डेस, और यहाँ पे लिख सकते हैं टू इंटू डी डी डेस का स्क्वायर, ठीक है, टू इंटू देखते हैं डेल्टा जी एस, टू इंटू डी डेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका, जीरो। यहाँ से हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं हम लोग, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा, सॉरी द ऑक्सिलरी इक्वेशन आप देखें सबसे पहले, तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा आपको, देखिए द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपको पता होगा हम लोग डी इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, एम पुट करेंगे, ठीक है, और डी डेस इक्वल टू क्या पुट करेंगे, वही पुट करेंगे। यहाँ से क्या जो इक्वेशन बन जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, टू एम स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम आप प्लस क्या होगा आपका, टू इक्वल्स टू जीरो। आप इसको ब्रेक कर लें आप, तो यहाँ पे टू एम स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका, फाइव चाहिए तो यहाँ पे फोर एम माइनस एम, ठीक है, प्लस क्या होगा आपका, टू इक्वल्स टू जीरो। अब टू एम कॉमन ले लें आप, यहाँ पे एम कॉमन लेंगे तो एम माइनस क्या होगा, टू, और वन कॉमन लेंगे एम माइनस क्या होगा आपका, टू, एम माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपका आ जाएगा क्या, एम माइनस टू हो जाएगा, एक क्या आ जाएगा आपका, टू एम माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, सो एम इक्वल्स टू आपका टू आ जाएगा, एक आपका टू एम इक्वल्स टू वन, सो एम इक्वल्स टू क्या होगा आपका, वन बाई टू। तो यहाँ से जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकालेंगे आप, क्या होगा आपका, ये क्या होगा, फाइव वन वाई वाई प्लस एम वन एक्स, तो एम वन एक्स का मतलब क्या है आपका, टू एक्स प्लस फाइव टू, फाइव टू इंटू वाई प्लस एम टू एक्स, तो वन बाई टू इंटू एक्स, तो ये आपका आंसर आ गया। डी इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा एक्स एंड डी डेस इक्वल टू क्या आपका, डेल्टा बाई डेल्टा वाई, ठीक है। द इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन की ये आ जाएगा आपका डी का स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डेस, और ये आपका हो जाएगा माइनस टू डी डेस का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब नाउ लेट डी इक्वल्स टू एम और डी डेस इक्वल टू क्या है, वन, तो द एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, देखिए द एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एम का स्क्वायर माइनस एम और माइनस टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको तोड़ते हैं आप, इसको जब तोड़ेंगे आप तो कैसे टूटेगा ये आपका, इसको आप ऐसा लिखते हैं एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस एम माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा, तो एम माइनस टू आ जाएगा प्लस वन, एम माइनस क्या होगा, टू इक्वल्स टू जीरो। सो पहला आ जाएगा आपका एम प्लस वन और एम माइनस टू इक्वल्स टू क्या आपका, जीरो, सो एम इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस वन, एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू। तो यहाँ से जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा आपका, क्या निकलेगा आपका, फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स, एम वन का वैल्यू कितना है, वन एक्स, और प्लस क्या आपका फाइव टू, और ये आपका क्या होगा आपका, टू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई प्लस कितना होगा, टू एक्स, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपका
डी क्यू माइनस थ्री टी, ये आपका दिया हुआ है डी क्यू माइनस थ्री टी डेट एस, ये आपका माइनस टू डी डेस टू डेट एस क्यू टिप क्यू इंटू जेड इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसे ही बनाएंगे आप इसको भी, तल्ली डी इक्वल्स टू क्या करेंगे और डेट एस इक्वल्स टू क्या लेंगे वन, द इक्वेशन बिकम, द इक्वेशन बिकम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, द इक्वेशन बिकम्स ये हो जाएगा आपका एम क्यू माइनस थ्री एम माइनस टू इक्वल्स टू क्या होगा आपका जीरो होगा, ठीक है ये आ जाएगा आपका। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को देखना है हम लोगों का कि यहाँ से कौन सा इसका फैक्टर्स होगा आपका। तो फैक्टर्स के लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग का हम लोग फैक्टर निकालना है यहाँ पे। तो आप यहाँ देखेंगे एम इक्वल टू आपका जो है वन, वन अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो वन होगा आपका, यहाँ पे आपका क्या होगा वन में थ्री जाएगा आपका कितना होगा वन में थ्री जाएगा तो माइनस टू नहीं आएगा आपका, माइनस वन पुट करें आप, जब माइनस वन पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा आपका, मतलब एम इक्वल टू माइनस वन, ठीक है मतलब आप समझेंगे एम इक्वल टू माइनस वन मतलब प्लस वन इसका फैक्टर है, ठीक है प्लस वन लिखेंगे आप। इसको हम लोग सजा देते हैं एम क्यूब, हमको प्लस वन चाहिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस वन, ये आपका लिख देते हैं। यहाँ पे इसको घटा भी देते हैं हम लोग, ठीक है यहाँ पे हम लोग घटा भी देते हैं। अब यहाँ से अगर घटाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे चाहिए एम कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कॉमन लेंगे तो आपको माइनस एम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस टू एम होगा फिर माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। अब इसको कॉमन ले लें आप एम स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एम प्लस वन, और यहाँ पे भी कॉमन लेंगे एम तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एम प्लस वन, और यहाँ पर भी कॉमन लेंगे टू तो टू कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना एम प्लस वन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा एम प्लस वन, और ये आपका नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है इसको भी तोड़ दें आप एम स्क्वायर माइनस एम, ये आपका ये कैसा टूटेगा एम स्क्वायर होगा यहाँ पे और ये आपका टू एम होगा और प्लस क्या होगा एम माइनस क्या होगा टू इक्वल्स टू जीरो। सो आपका एम प्लस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इन टू एम, एम कॉमन ले लें आप एम माइनस टू और प्लस वन कॉमन ले लें आप एम माइनस क्या होगा टू इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका एम प्लस वन एम प्लस वन एम माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। सो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका माइनस वन और टू, तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा एम सी एफ जो होगा वो क्या होगा आपका फाइव वन वाई प्लस क्या होगा आपका एम वन एक्स, मतलब एम वन का वैल्यू कितना आपका वन एक्स, फिर आपका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स होगा फाइव टू, ये सेम चीज़ है आपका तो वाई माइनस क्या होगा आपका वन एक्स होगा प्लस क्या होगा फाइव थ्री, तो ये आपका वाई प्लस कितना होगा टू एक्स होगा। ये आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालना पड़ेगा, ऐसा सॉल्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि इसका ये आपका कैसा है होमोजेनस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है ये हम लोग क्या पढ़ने वाले नॉन होमोजेनस। अब हम लोग के पास नॉन होमोजेनस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ठीक है ये आपका टॉपिक आ जाएगा। इसमें आपको कम्प्लीमेंट इसका जो सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो आपको सॉल्यूशन में जो आपका तीन चार सॉल्यूशन में आपका दो चीज़ का जरूरत पड़ जाएगा आपका, एक तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक दूसरा जो आपको अभी पढ़ा चुके थे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो एक पार्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमेशा जो है एल एच एस से निकलता है और पार्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा क्या होगा आपका आर एच एस से निकलता है। अब हम आपको थोड़ा सा रूल बताते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। सबसे पहले आप समझें कि पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं उस चीज़ को समझें, कुछ इसका पॉइंट समझ लें, उसके बाद हम आपको वन बाई वन करके इसका टॉपिक इसको बताएंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल में सपोज हम लोग के पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है इस फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब एफ और ये आपका डी और डेट एस दिया हुआ है इंटू सेट इक्वल टू आपका कुछ समथिंग दिया हुआ है इधर एक्स वाई के टर्म का फंक्शन कोई दिया हुआ है एक्स वाई। अगर इसका हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालें, ठीक है इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा द पार्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा इसका वो क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रल इक्वल्स टू वन बाई क्या आ जाएगा आपका एफ डी 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 डेस ये होगा इंटू क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स वाई ये आपका आ जाएगा, ठीक है ये इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कहते हैं। हम लोग को अब कैसे निकालना है वो चीज़ आपको हम लोग बताएंगे आपको।
ठीक है, लेकिन आपको मिनिमली जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं कि आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे यानी पी आई निकालेंगे, ये क्या जाएगा आपको वन बाई क्या जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी टेस माइनस सिक्स इंटू डी टेस स्क्वायर, और ये आपका क्या जाएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा। इसका कुछ आपको पॉइंट आपको याद है, स्क्वायर डी क्यूब जो यूज करते हैं हम लोग पता होगा, जो डी डी स्क्वायर और डी क्यूब ये जो लोग यूज करते हैं ये क्या होता है एक्चुअली पार्शियली डिफरेंशियल विद पार्शियली जो होता है डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, पार्शियली पार्शियली डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है आपका एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएशन कि आपको यहाँ पे अगर ये लिख दिया जाए तो आपका होगा डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, अगर ये लिखा हुआ है तो ये आपका डेल्टा बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, अगर ये लिखा हुआ आपका तो ये आपका डेल्टा बाय डेल्टा एक्स क्यूब, इस तरह का सेंस में आपको आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये चीज़ आपको समझना है आपको इसमें आप देखें, सपोज इस चीज़ को अगर हम लोग लिख देते कहीं आपको ऐसा लिख देते हैं हम कि बताइए डी यहाँ पे कुछ लिख दिए हम, यहाँ पे लिख दिया आपका फोर फोर्टीन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ये लिख दिया है, इसका मतलब क्या होगा हमको यहाँ से डी का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, y तो कॉन्स्टेंट बन जाएगा आपका, तो ये इसका क्या होगा 2x, तो क्या जाएगा टोटल आपका 18x y क्यूब, ठीक है, इसका आंसर दिया जाएगा। अगर आपको ऐसा दिया जाए t इक्वल टू दिया हुआ आपका डी स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ आपका x टू दी पावर 4 इंटू वाई दिया हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, ठीक है, मतलब इसको क्या करना हो जाएगा आपका पहला डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 4x क्यूब और ये आपका वाई, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो आपका आ जाएगा कितना 12x स्क्वायर इंटू वाई, ये सारा पार्ट आपका आ जाएगा इसका, तो ये इस तरह करके हम लोग ये समझेंगे। नंबर दूसरा पार्ट जो नंबर इसका दूसरा है, और दूसरा भी इसको आप समझ लें, दूसरा क्या है इसका, यहाँ पे जो है डी डैश का स्क्वायर डी डैश का क्यूब ये सारा जो है आपका क्या बताएगा आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा वाई, इसका मतलब जहाँ पे आपको डी डैश होगा यहाँ पे समझे डेल्टा बाय डेल्टा वाई होगा, डी डैश का स्क्वायर है मतलब डेल्टा बाय डेल्टा वाई का स्क्वायर होगा, डी डैश का क्यूब है मतलब डेल्टा बाय डेल्टा वाई का क्यूब है, सो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपका नेक्स्ट पार्ट में है आपका नंबर थर्ड, वन बाई डी मीन्स ये क्या आपका पार्शियली, ये आपको वन बाई डी मीन्स इंटीग्रेट लिखें, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे आप एक्स, ठीक है, और वन बाई नेक्स्ट अगर आप देखें नेक्स्ट अगर फोर देखें वन बाई डी डैश मीन्स क्या होगा आपका इंटीग्रेट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जैसे अब आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है वन बाई टी दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया आपका क्या एक्स दे दिया है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करेंगे आपका क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ये आ जाएगा। जैसे अगर ऐसा दे दिया जाए आपका वन बाई डी डैश इक्वल टू दिया हुआ आपका एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आपका एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई क्यूब आ जाएगा, तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वन बाई डी का मतलब क्या होता है, वन बाई डी डैश का मतलब क्या होता है। मेथड फाइंड करने का बताते हैं आपको, दो तरह का हम लोग मेथड होता है, एक तो आपको सिचुएशनल मेथड होगा, एक आपका जनरल मेथड होगा, जनरल मेथड को भी हम डिस्कस करते हैं आपको, पहले आप सिचुएशनल प्रॉब्लम में होने के कंडीशनल मेथड को आप देख लें। कंडीशनल मेथड में आप देखें सबसे पहले अगर ये आपका जो है अगर आर एच एस जो है आपका एक्स टू द पावर एम और वाई टू द पावर एन के फॉर्म में हो, ठीक है, आर एच एस जो होगा आपका ये फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब आपका जैसे हुआ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जैसे इस तरह के फॉर्म में हो, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, इस तरह के फॉर्म में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे जैसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से यूज करते थे उसी तरह लोग बाइनोमियल, ये सिचुएशनल प्रॉब्लम में सबसे पहले अगर एक्सपोनेंशियल टर्म इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, जैसे ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तो उसका जो हम लोग जो लिखेंगे मतलब इसमें एक चीज़ याद रहे आपको एफ ऑफ ए भी जीरो हो जाए फिर उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है,
हम लोग को डिफरेंशिएशन करेंगे और ये उसको इफ आपका इफ ए इक्वल टू जीरो होगा तो आपका ये आ जाएगा आपका, अभी नॉट जीरो होगा तो ये सेंस पे आएगा आपका, फिर उसी तरह आपका उसका सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा, फिर थर्ड डेरिवेटिव होगा तो सेकंड डेरिवेटिव एक्स क्यूब आएगा, इस तरह करके सेंस में वो आगे बढ़ते चलेगा। नेक्स्ट अगर आप देखें इसको इस मेथड से भी समझ सकते हैं आप, अगर इस क्या कहते हैं ये एफ ऑफ डी वाई, ये आपका वही सेम सिचुएशन है आपका, ये भी इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। डी में क्या इंक्रीज करना है, ए को इंक्रीज करना है, बी में क्या करना है, डी डैश में क्या करना है, बी को इंक्रीज करना है, और उस तरह करके हम लोग आगे बढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइन हो या कॉस हो सेम इसी तरह करके आपका ये बनेगा, साइन और कॉस का दोनों सेम होता है आपका। इसे मेनली आपको याद क्या रखना है, आपको ए का जो रिप्लेसमेंट होता है, ए का जो रिप्लेसमेंट होता है, देखें यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे मतलब डी स्क्वायर का जो रिप्लेसमेंट होगा किससे होगा, माइनस ए स्क्वायर से होगा। डी डी डैश का रिप्लेसमेंट क्या होगा, माइनस ए बी से होगा। और डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेसमेंट होगा। वही चीज़ हम लिखे हुए हैं, जब आपका ये प्रोवाइडेड ये आपका जीरो नहीं हो उस केस में हम लोग यूज करेंगे इसका। कॉस का केस इसी तरह हम लोग निकालते हैं, ये थोड़ा सा इसको आपको ये आपको जब क्वेश्चन आप बनाएंगे तो ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन एक दो देखें आप, इसका जनरल मेथड से भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा स्क्वायर जेड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा वाई, और आपका लिखा हुआ है प्लस फोर इंटू डेल्टा क्यूब बाय डेल्टा जेड डैश इंटू डेल्टा वाई क्यूब, ठीक है। डेल्टा वाई क्यूब इक्वल टू आपको इक्वल टू में क्या दिया हुआ आपका ई टू दी पावर एक्स प्लस टू वाई, ई टू दी पावर एक्स प्लस क्या है आपका टू वाई, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है हम लोग का, उसको हम लोग लिखेंगे ताकि क्या बन जाएगा आपका, देखें द इक्वेशन बिकम हम लोग का ये जो इक्वेशन क्या बन जाएगा आप देख लें सबसे पहले, द इक्वेशन बिकम्स ये आपका हो जाएगा कितना, ये तो आपका हो जाएगा डी क्यूब, ये आपका बन जाएगा आपका क्या थ्री डी का स्क्वायर इंटू डी डैस, और यहाँ पे बन जाएगा आपका फोर डी डैस क्यूब इंटू जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका ई पे पावर एक्स प्लस कितना होगा टू होगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका नाउ। अब हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, डी डैस इक्वल टू वन और डी इक्वल टू क्या पुट करेंगे एन, द इक्वेशन बिकम द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, द ऑक्सिलरी इक्वेशन जो एक्जिलरी इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका एम क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस कितना होगा फोर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये आपका आ गया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि इसका क्या इसको कैसे इसको बनाएंगे हम लोग, इसको हम लोग को बनाना है, इसको हम लोग को क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन में आपको देखना है क्या कि एम क्यूब यहाँ पे एक फैक्टर हम लोग को ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे जो फैक्टर होगा हम लोग का एक फैक्टर जो होगा आपका क्या होगा एम इक्वल टू क्या होगा वन अगर लेंगे हम लोग माइनस वन लेंगे तो आपका जो है फैक्टर कितना होगा, ये माइनस वन हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा कितना -1, ये आपका -1 -3 -4, ठीक है। मतलब आ जाएगा मतलब -M1 फैक्टर है इसका, मतलब -1 फैक्टर मतलब प्लस आपको प्लस चाहिए, कितना करना पड़ता है सम करने पर कितना आना चाहिए आपको -3 और प्रोडक्ट करने पर कितना चाहिए आपको 4, ऐसा चार तीन नंबर को ढूंढिए, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए आपको 4 चाहिए, तो और जोड़ने पर कितना चाहिए आपको -3 चाहिए, तो ऐसा लिख देते हैं हम लोग -1 +2 +2, देखिए तो आ जाएगा ना 2 2 4 में बन जाएगा आपका कितना होगा 2 2 4 4 में, अगर सॉरी यहाँ पे हम लोग गलत लिखते हैं, यहाँ पे इसको माइनस लिखते हैं माइनस और यहाँ प्लस लिखते हैं तब आ सकता है, क्योंकि 2 2 4, ठीक है 4 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन और ये आपका आ गया, तो ये बन गया आपका, ठीक है। यहाँ से एम लिखते हैं यहाँ पे एम माइनस टू, ये आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से बना लिया हमने, तो यहाँ से एम इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -1, दूसरा आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा फिर 2 आ जाएगा, तो यहाँ से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका क्या जाएगा 5 1 y + m1 x, तो m1 कितना आपका -1, तो ये आ जाएगा प्लस क्या होगा 5 2, और ये आपका क्या जाएगा रिपीटेशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y प्लस कितना होगा 2x, और फिर आ जाएगा आपका x आ जाएगा ये 5 3, और y प्लस कितना होगा आपका 2x, ये तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। अब हम लोग को निकालना पार्टिकुलर इंटीग्रल द PI, ठीक है, तो PI ऑफ e टू द पावर x प्लस 2y, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो आपका क्या होगा 1 बाई क्या होगा इसका, ये जो फंक्शन है इस चीज़ को लिखेंगे आप,
इसमें क्या आपका d क्यूब माइनस क्या है आपका 3d का स्क्वायर इंटू डी डैश प्लस क्या है 4d क्यूब, ये आपका दिया हुआ, ये आपका होगा ई एक्स प्लस वाई। यहाँ से बताएं a, a का ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब a का वैल्यू कितना हुआ ना, b का वैल्यू कितना आपका 2। और आपको पता होगा इस चीज़ को कि हम लोग d को जो है लिखते हैं d की जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं a से, और d डैश की जगह हम क्या लिखते हैं हम लोग b। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होगा आपका देखें, a की d की जगह क्या बैठेगा 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा आपका 3d स्क्वायर, यहाँ पे आपका 1 होगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 से 6 ये आ जाएगा आपका। और अगला आ जाएगा आपका कितना 4d क्यूब, 4d क्यूब मतलब क्या होगा आपका 2 क्यूब मतलब 8, 8 फोर जाए 32, और ये आपका ई एक्स प्लस क्या होगा आपका 2y। तो ये आपका आ जाएगा 1/33 में 6 जाएगा तो क्या होगा आपका 27e^x प्लस क्या होगा आपका 2y। तो ये वैल्यू आपका तो आ गया आपका, ये आपका PI निकल गया। तो हैंस सॉल्यूशन जो होगा आपका, हैंस सॉल्यूशन जो होगा आपका क्या होता है आपको पता होगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस क्या होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन कितना देखिए आप, 5y-x प्लस 5 2, ये आपका y प्लस कितना है 2x, और प्लस क्या है x 5 3, और ये आपका क्या आपका y प्लस क्या है 2x, और प्लस क्या आपका 1/27 e^x प्लस क्या आपका फंक्शन। आप देखेंगे क्या होगा इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ से तो लिख सकते हैं द इक्वेशंस बिकम द, यानी द ऑक्सिलरी इक्वेशन आप देखें, द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा आपका, द ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, ये एम क्यूब माइनस 4m² प्लस क्या होगा आपका 4m, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप m कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका m² माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 2m 4m, अब प्लस कितना आ जाएगा 4 = 0। आपको पता होगा ये फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर का, तो ये आपका निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना निकलेगा 0, फिर निकलेगा 2, फिर निकलेगा कितना 2। तो यहाँ से जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा वो आपको पता होगा 5y + x, तो x का वैल्यू कितना 0x प्लस होगा आपका 5 2, ये आपका y प्लस कितना होगा 2x, अगला होगा आपका x 5 2, और ये आपका y प्लस कितना होगा 2x। ये तो हम लोग के पास निकल गया, क्या निकल गया, ये आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। अब हम लोग को PI निकालते हैं, ठीक है, PI ऑफ क्या आपका cos 2x प्लस y। तो यहाँ से आप देख लें क्या होगा इसका, 1/dq - 4t² k′ + 4t, आपको और इसको आप लिखेंगे क्या cos 2x प्लस y। अब यहाँ से बताएं ax प्लस बी वाई होता है, a का वैल्यू कितना आपका 2 और b का वैल्यू कितना आपका 1। अब जहाँ जहाँ d का आपको पता होगा कि हम लोग को जो कैसे रिप्लेस करते हैं, ठीक है, हम लोग को पता होगा जो d का रिप्लेसमेंट हम लोग को कैसे होगा यहाँ पे। तो आप d का जो रिप्लेसमेंट करेंगे आप, तो यहाँ से जो वैल्यू आपका आ जाएगा वो क्या होगा आपका, जो रिप्लेसमेंट हम लोग कर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x/4 cos 2x + y, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन जो इसमें आ जाएगा वो क्या होगा आपका m² + 2m + 1 = 0। तो ये आपका a + b का होल स्क्वायर होता है, m + 1 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर = 0। सो m = -1 और -1, तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा आपका क्या होगा, 5y - x + x 5 2, और ये आपका y - क्या होगा x होगा, ठीक है। नाउ द PI ऑफ क्या आपका साइन 2x प्लस कितना आपका 3y। जब इसका PI निकालेंगे तो आपका होगा 1/d² - +2d(d′) + d′² * क्या होगा आपका साइन 2x प्लस क्या होगा 3y। अब यहाँ से हम लोग क्या चेक करना पड़ता है, हम लोग को पता होगा एक चीज़ हम लोग को चेक करते हैं, एफ क्या होता है आपका -a² फिर क्या होता है ab और क्या होता है आपका b² ये हम लोग चेक करेंगे। यहाँ से a का वैल्यू कितना है देखें आप, a का वैल्यू कितना है आपका, इसको रिप्लेसमेंट ऐसा ही करते हैं हम लोग, इसको रिप्लेसमेंट a का वैल्यू कितना आपका 2 है, b का वैल्यू क्या है 3 है। अगर ये नन जीरो टर्म्स आएगा तो हम लोग इसको आगे PI बन जाएगा आपका, ये वैल्यू क्या आना चाहिए आपका नन जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब देखें कितना वैल्यू इसका आता है, देख लेते हैं हम लोग,
यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे हम लोग, यहाँ से एफ ऑफ क्या होगा आपका चेक कर रहे हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या है ए बी, और ये आपका क्या होगा ए स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, देखिए आप ए स्क्वायर की जगह कितना होगा टू का स्क्वायर, मतलब कितना होगा माइनस फोर ए इंटू बी, तो टू थ्री जगह कितना होगा सिक्स माइनस सिक्स, और आपका माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना होगा थ्री का स्क्वायर कितना होगा माइनस नाइन, सारे का वैल्यू को फुट करेंगे आप, जब वैल्यू फुट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए आप, यहाँ पे जब इसको वैल्यू फुट करेंगे तो पहला टर्म्स में आ जाएगा आपका कितना, ये जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा माइनस फोर, और अगला आ जाएगा आपका टू इंटू माइनस सिक्स, और प्लस क्या आ जाएगा आपका नाइन, ठीक है माइनस नाइन, तो आप इसको देखेंगे यहाँ पे माइनस फोर माइनस ट्वेल्व माइनस नाइन, इसको ऐड करते हैं आप, जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी, ये जीरो का इक्वल नहीं आया आपका, ये जीरो का इक्वल नहीं आया, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पी आई जो क्या आ जाएगा आपका, आपका वन बाई क्या होगा माइनस ट्वेंटी फाइव नीचे आ गया, ये आपका कितना आएगा साइन टू एक्स प्लस कितना आ गया आपका थ्री वाई, तो यहाँ से इसका पी टोटल सॉल्यूशन लिख दें, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसका, दोनों को ऐड कर देगा तो आपका हो क्या होगा सी एफ प्लस क्या होगा पी आई, तो सी एफ का वैल्यू कितना है देखिए आप फाइव फाइव वन वाई माइनस एक्स प्लस क्या है आपका एक्स फाइव टू, आपका वाई माइनस एक्स आप माइनस होगा ये माइनस वन बाई ट्वेंटी फाइव, और ये आपका होगा क्या साइन टू एक्स प्लस कितना होगा थ्री वाई, ये आपका आंसर।